हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको दिल्ली सीटी के लिए साइंस किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का एक जवाब सवाल था कि सर साइंस कैसे पढ़े, साइंस साइंस थोड़ा टफ लग रहा है। ठीक, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे पढ़ना है आपको साइंस, ठीक है, दिल्ली सीटी के लिए। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू कवर साइंस फॉर दिल्ली सीटी 2022। ठीक है, यही हम आज पे इस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th के साइंस को हम बेसिक साइंस भी बोलते हैं दोस्तों, जिसके अंदर क्या होता है, थोड़े बेसिक सवाल से होते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास 10 से ऊपर जाओगे तो आपको हायर सवाल मिलेंगे साइंस के अंदर, लेकिन हम बेसिक बोल सकते हैं इसे। ठीक है, देखिए, जैसे आपके साइंस के बुक के अंदर जो चैप्टर है दोस्तों, टोटल 20 मतलब 14 चैप्टर है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है दोस्तों, देखा जाए तो 10 जुलाई 11 जुलाई को दिया है डेस्ट्यूड। ठीक है, तो आपके पास टाइम कम है और काम आपके पास ज़्यादा करना है। ठीक है, खाली साइंस ही नहीं है दोस्तों, आपके पास मैथ भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है और इंग्लिश भी है। ठीक है, तो ये भी आपको कवर करना है इतने ही टाइम में। तो देखिए दोस्तों, वेस्ट वे जो मैंने बनाया है ये आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अगर जो आपको सुटेबल लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको यू मस्ट रीड योर NCERT बुक ऑफ 10th क्लास। ठीक है, जो आपकी साइंस की NCERT बुक है 10th क्लास की, उसको आपको रीड करना चाहिए। ठीक है, रीड दोस्तों डीपली रीड करना चाहिए, उसके एक्टिविटी भी पढ़ो, जो उसके अंदर रिमाइंडर पॉइंट दे रखे हैं वो भी पढ़ो, हाईलाइट पॉइंट भी पढ़ो दोस्तों, जो इंटेक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपको एवरीथिंग जो चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर है। ठीक है, तो इसमें सवाल कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि आपके अगर जो एक पॉइंट भी मेंशन होगा उससे भी आपका सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप NCERT की बुक है वो एक बार तो जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और जो कैपेबल हो कि हाँ आप नोट्स बहुत जल्दी जल्दी लिख लेते हो, लेकिन छोटे नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप मतलब बड़े बड़े चीज़ें पॉइंट लिख रहे हो, जो आपको याद ना रहे वही हमारा नोट्स होता है। ठीक है, तो आप थोड़े मतलब छोटे चैप्टरों पे मतलब छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो जो आपको याद ना रहे पॉइंट, जैसे हाईलाइट पॉइंट हो गया, जैसे कि हमारा आ गया 1 हॉर्स पावर को कितना कितने वाट में मतलब 746 वाट में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे आपको ये पॉइंट याद नहीं है तो आप इस पॉइंट पर नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इतना एक बार ज़रूर NCERT को रीड करना चाहिए। ठीक है, ताकि तो आप साइंस में बेटर परफॉर्मेंस कर सको। ठीक है, चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपको अगर जो आप साइंस रीड कर रहे हो तो आपको इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपको MCQ सॉल्व करना है। ठीक है, MCQ आप किसी बुक से सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो मैं लाइव क्लास में करवाता हूँ वहाँ पर भी आप आके MCQs को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं डेली दोस्तों जब भी कभी भी मैं MCQs क्लास रखता हूँ तो उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि हाँ मैं आज इस चैप्टर का MCQ करवाने वाला हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, आप पढ़ के आइए और फिर उसको MCQs को सॉल्व करिए। अभी जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि आप @PEH999 आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसके बाद दोस्तों क्या है आपका, जो अगर जो आप ऐसा करोगे दोस्तों तो बहुत लेस चांस हो जाएगा कि आपके साइंस में क्वेश्चन छूटे। ठीक है, सीटी एग्जाम में जैसे कि आप जो आउटसाइड के बच्चे, ये भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है साइंस। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से करके आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।